पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राधा रानी ने कहा आप मेरे कहने से रुकेंगे नहीं, ये मैं जानती हूँ। और जब आप जाने का निर्णय कर ही चुके हैं तो हम होती कौन है आपसे रुकने के लिए कहने वाली। चले जाइए। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, पर इतना रहम करते जाओ, दिल तो पहले ही तुम ले को भी दे जाओ, क्योंकि प्रेम विरहा में जल जाएंगी हम ये हमें बतला के जा। ठाकुर जी कुछ ना बोल सके, फिर किशोरी जी ने प्रश्न करा, आज जाओगे जो छोड़ कर तुम, क्या नाओगे पे नजर फिर कर के, जाते जाते ना हमको रुलाओ। भगवान से रहा नहीं गया, दौड़ करके रथ पर आए। कृष्ण को नाचते देखा है, गाते देखा है, हंसते देखा है, रोते कभी नहीं। जय श्री राधे। मैं आचार्य व्योम त्रिपाठी, मुरादाबाद में श्री राम विहार कॉलोनी में समय श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है और आज कथा के षष्ठ दिवस भगवान का विवाह महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। भगवान श्री की कथाओं के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से पूरे समाज में शिक्षा दी जाती है, एक होकर रहें, मिलकर रहें, शांति की स्थापना के लिए भगवान आए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए, तो हम लोग भी एक शांति चैन बना करके रहें और ठाकुर जी की लीलाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके, भगवान श्री राम की लीलाओं के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, आनंद की स्थापना हो, ये भाव इस व्यासपीठ का कथा से रहता है। ये कथा कब शुरू हुई थी और कब समाप्त होगी? कथा आज से 6 दिन पूर्व शुरू हुई थी और कल इस कथा का विश्राम दिवस है। कल यज्ञ भंडारा आदि का आयोजन यहाँ पर है और खूब धूमधाम से कथा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। भक्तों को कोई संदेश देना? भक्तों को एक ही संदेश है, भगवान की कथा को सुन करके कथा को जीवन में उतारें और जीवन में जो भगवान के बताए गए रास्ते हैं, भगवान के चले गए मार्ग हैं, जैसे भगवान श्री राम प्रातकाल उठ करके, प्रातकाल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, भगवान श्री राम अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, ये शिक्षाएं हम भगवान से प्राप्त करके उन पर चलने का प्रयास करें, उनका अनुसरण करने का प्रयास करें तो हमारा भी कल्याण इस जीवन में हो जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।